आज सुबह 7 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड किया जहां मैंने सिखाया अगर मेरा बस चलता, जैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको इंग्लिश सिखाता। तो कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने पूछा कि इसका पास्ट क्या होगा। चूंकि मैंने वहां पास्ट बताना भूल गया, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया जाए जहां आपको बता सकूं कि इसका पास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर मेरा बस चला होता तो मैं आपकी मदद किया होता। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप पहले सेंटेंस में हैव की जगह हैड बोलेंगे और दूसरे सेंटेंस में आप वुड का यूज करेंगे। जैसे अगर मेरा बस चला होता, इफ आई हैड माई वे, मैं आपकी मदद किया होता, आई वुड हेल्प यू। अगर मेरा बस चला होता तो मैं वहाँ गया होता, ये एक पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ आई हैड माई वे आई वुड गो देयर, यानी अगर मेरा बस चला होता तो मैं वहाँ गया होता। अगर आपका बस चला होता तो आप इंग्लिश सीख लिए होते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू हैड योर वे यू वुड लर्न इंग्लिश, अगर उसका बस चला होता तो वो पैसा कमाया होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ ही हैड हिज वे ही वुड अर्न मनी, यानी अगर उसका बस चला होता तो वो पैसा कमाया होता, अगर उन लोगों का बस चला होता तो वे लोग यहाँ आए रहते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ दे हैड देयर वे दे वुड कम हियर, यानी अगर उन लोगों का बस चला होता तो वो लोग यहाँ आए होते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं अगर मेरा बस चला होता तो मैं यह किया होता, अगर मेरा बस चला होता तो मैं आपकी मदद किया होता, अगर मेरा बस चला होता तो मैं वहाँ गया होता, यानी पास्ट वाले एक्सप्रेशन को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने पहले सेंटेंस को हेड की मदद से बोलेंगे और दूसरे वाले सेंटेंस को उड के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया। फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।